বেনু মলা আজি মেলো ক'পা নুনুমি মলামি নেকি ইউটিউব আ কপা পায় আৰু চলু যে কোনমে আকৌ আবিলা নুকা নক

kami malah oi taja to nguru suru luka ha aigo wo bilo kolo milo kone kari na ladu mo ano aro atulina jina ho empo aro atulala ho jeno pa mo ano helien sula la deng pa Lotu pa

အနုမလအီတနာအလမွေလဒိုင်နဟိုအလုံးလိုဲဆစ်စကအဲရှိမိငိုအကုတ်ယူရောပလာအလမလာဒေါတောလာဟိုမူအော်လာမတယူဝမ်ယုညာနိုဘလာအနုအာကပယိုဒုံအဗျာချမီအနုအာရပိုဗီလာမမတဆောလာမွေဗီလာ

xo mo anaxa ka xin ka xin yama xiiya mo ya xe bia ka eo ku xaang bino xe hendro ma na taba pelu nana la aro mo xe hendi la nana yama mate nana la hendi boko le xo xe niti qamo xobu doro e kaa la da xe na xe ka xe xe xin xobu kanyan lo ko la ae xe xo

অঁ তেনে হে যে বদলাম আবেদ আ আত মিনি সদৌ চাগো লেদামদ সদাল অকা আগত আজি আমপা গমেছ ট্ৰান্সলেট মাল ৱেলকাম টু এবৰিবডি টু মাই ইউটিউব सबको नमस्कार जोहार, अभी जो मैं एक छोटा सा कहानी बोला अपातनी भाषा में ये इस बारे में है कि आप अपना विश्वास को मजबूत रखने से कैसा आपका फ़ायदा होता है और अपना सांस्कृति धर्म जो पूर्वज जो युगों से लेके आया है उसमें अपना आस्था को क्यों रखना चाहिए और ऐसा रखने से क्या होता है तो इस संदर्भ में एक छोटा सा कहानी है हमारा पुराना ज़माने में कारिंदाचा नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी थे रहते थे लेकिन वो दिल का बहुत साफ था और अपना सांस्कृति धर्मों पर उसका बहुत ही गहरा आस्था था तो जब भी किसी गांव में किसी का पूजा पाठ होता है उसमें वो जैसा होने भी सम्मिलित होके जैसा होने से भी सम्मिलित होके उसमें पूजा में जो काम करना है भगवान का हमारा अपातनी ट्रेडिशन में युग बोलता है युग्या बोलता है तो जो तुम क्या खा बोलता है तो उसका इमेज को बना देता है तो उसको गिफ्ट के हिसाब से भगवान को देता है तो वो सब बनाने में वो बहुत माहिर थे तो उन्होंने उनका यही आदत था कि जब भी किसी का ऐसा होता है तो उनको मदद करता है तो उसका बाद में ऐसा ही उसका नेचर था तो एक दिन क्या हो गया एक बहुत ही धनी घर में यूलो हुई यूलो जो है देवी है स्वस्थ परस्परिटी और उसका ये देवी मानते हैं उसको तो चाचा को जब सुनाई दिया उनका उधर में ये पूजा संपन्न होने जा रहा है तो वो भी आगे आया आके बोला कि हम जितना बनाना है हम भी मदद करेगा ऐसा करके बहुत सारा चीज वो योगी बना दिया बना करके पूजा को दिन में उस दिन हो के वो वापस आ गया अपना घर में जब सो रहा था तो रात में सपना में देखा है कि एक बूढ़ी औरत जो उनको बोल रहा है कचा, दाचा दाचा तुमने जो हमको जो टकरियाँ ये जो दिया है गिफ्ट दिया है वो बहुत ही सुंदर है मैं बहुत खुश हूँ मैं भी आपको कुछ दूंगा तो ये सपना को देख कर के वो जाग गया वो सोच रहा था ये औरत को तो हम पहचानता भी नहीं है आ, उसको कुछ हम टोकरी ओकरी दिया हुआ याद नहीं है तो ये क्या सपना देख के आया है तो इससे उसी समय में सुबह में हमारा उदाहरण में ये पड़ता है कि कोई धनी लोग जो है गरीब आदमी को उसका मिठ्ठन को देखभाल करने के लिए देता है दो दो बच्चा का बाद में हर तीसरा बच्चा जो देखभाल करते उनका होता है तो उस साल दो उससे पहले दो साल पहले बच, मालिक के लिए जो बच्चा हो चुका था तो उस साल में ये दाचा के लिए होना था एक मिठुन जो वो जिसको देखभाल कर रहा था तो उसका दोस्त जो साथ में देखभाल करने वाला है वो बताया है सुबह में आके दाचा तुम्हारा हिस्सा का वो तो एक तो दो तो मिथुन बच्चा दिया बच्ची दिया दोनों ही ने बच्ची है जब ऐसा बताया तब उसका पूरा बात समझ में आया कि अरे हमको भी मेरा टोकरी तो ओकरी दिया हम ये लोग माँ को हम योगी बना के ऑफर किया था उसका घर में तो उसे वो पसंद आया इसलिए हमको तो बच्ची दिए तो वो सी मिथुन छोटा छोटा को वो भगवान का गिफ्ट सोच करके के बहुत प्यार से पाला पोसा और उनका भी बहुत सारा बच्चा हुआ ऐसा हो हो करके वो बहुत धनी हो के बाद में एक आ, बहुत ही संपन्न और सेल्फ सफिशेंट धनी आदमी बन के आ, उसका जी जिंदगी गुजारा हो गया बाद में तो ये कहानी का संदर्भ ये है कि मोरल ये है कि आप अपना संस्कृति धर्म में जब तक विश्वास नहीं करेगा और आस्था के साथ में नहीं करेगा तो आपका वो सफल नहीं होगा इसीलिए आप अपना जो भी करता है उसको विश्वास का साथ में आस्था का साथ में पूजा पाठ हो चाहे कर कोई भी कर्म हो करना चाहिए ये है हमारा बुजुर्ग लोग जो हम लोग को बताया और इस तरह का कहानियाँ चौथा चौथा कहानियाँ मैं आगे भी लेके आऊँगा और आप सबसे विनती है आप मेरा यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और ऐसा अतनी का और तनी ग्रुप का और नॉर्थ ईस्ट का बाइयों का बारे में उसका संस्कृति का बारे में उनको पहचानने के लिए आप ज़रूर मेरा यूट्यूब में सब्सक्राइब करें धन्यवाद थैंक यू